सो ये व्हाट्सअप गाइस, काफी सारे लोगों को एरर आई थी टैगिंग डेटाप्लेक्स एसेट में। तो यार आपको पासवर्ड को कॉपी कर लेना है, कॉन्सोल को इनकाउंट में ओपन कर लेना है, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। सीधे सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक कर देना है, नीचे स्क्रॉल करते जाना है, करते जाओ। यहाँ पे से आपको जो है इस एपीआई को कॉपी कर लेना है। ये एपीआई हमने कॉपी कर ली, अगेन आपको बैक आ जाना है, एंसर बार में इसको पेस्ट कर देना है, स्पेस रिमूव कर देना। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे तो क्लाउड डेटाप्लेक्स एपीआई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ऑप्शन आ जाएगा अनेबल करने का, एंड या अनेबल करने का आ गया है, ये मैंने क्लिक करके अनेबल कर दिए। अगेन बैक आओ, अब आपको क्लाउड डेटा कैटलॉग एपीआई को कॉपी करना है, अगेन आपको बैक आना है, इसको एक बार अनेबल हो जाने दो कम्प्लीटली, ये अनेबल हो गई है। अगेन ऊपर जाके पेस्ट करो, फुल स्टॉप रिमूव कर दिया है मैंने। एंड ये रहा क्लाउड डेटा कैटलॉग एपीआई, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो है अगेन इसको भी सेम अनेबल कर देना है। ये हमारा अनेबल वाला टास्क खत्म हो गया। नीचे स्क्रॉल करते नेविगेट करना है डेटाप्लेक्स के ऊपर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगेन बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद सर्च बार में इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद जो है डेटाप्लेक्स मुझे क्लिक कर देना है। देन अगेन बैक जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो है अगेन बैक जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर पे आना है मेन तो, एंड मेन एक्सप्लोर पे आके आपको जो है ऐसा पेज दिखेगा, ये ऑटोमेटिकली आएगा, इसको आप सिलेक्ट कर लेना, या आपका ही होगा, नहीं आए तो कोई इशू की बात नहीं, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना, नीचे स्क्रॉल करना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पे क्रिएट लेक का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, क्रिएट लेक कर देना। एंड ये मैंने क्रिएट लेक करा, पेस्ट करा इधर ऑर्डर लेक, ठीक है। अगेन मैं कहूँगा मुझे जो है US वेस्ट वन दिया है, आपको आपका दिया, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं इधर आता हूँ, मैं अपना वाला सिलेक्ट करूँगा, US वेस्ट वन, नीचे स्क्रॉल करेंगे, US वेस्ट वन मैंने क्लिक कर दिया, नीचे आएंगे एंड क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमने जो है पूरा डन कर लिया है। एंड ये हमारा जो है लेक क्रिएट हो रहा है, आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो क्रिएटिंग आ रहा है ऑर्डर लेक, ठीक है। ये कम से कम 3 मिनट लेगा क्रिएट होने में, तो इसको हो जाने देना। भी अगर ये ना दिखे तो हम कैसे सर्च करें, क्योंकि लेक का ऑप्शन काफ़ी बार इधर आता नहीं है। एक्सप्लोर में क्लिक करोगे ना तो काफ़ी बार आपको लेक का ऑप्शन नहीं शो करेगा, उसकी जगह कुछ और ही आपको शो कर देगा। सो आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर आपको एक्सप्लोर में शो ना करे तो आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा इधर, क्या ऑप्शन दिख रहा होगा, अनेबल ऑल एपीआई, उस पर क्लिक कर देना। देन मैनेज पे आ जाना, मैनेज पे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे लेक का ऑप्शन दिख जाएगा। ये दो तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू आप अपनी लेक को क्रिएट कर सकते हो। अगेन बैक आना, नीचे स्क्रॉल कर देना, अब हमें जो है कस्टमर क्यूरेटेड जोन को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद जो है वेट करना जब तक ये बन रहा है। सो जैसे आपको ऐसा टिक आ जाएगा एक्टिव का, तो आपको ऑर्डर लेक पे क्लिक कर देना है। ऑर्डर लेक पे क्लिक करने के बाद इसको क्रॉस पे क्लिक कर देना, ऐड जोन पे क्लिक करना। जोन पे जैसे क्लिक करोगे, आपने जो कॉपी करा था जोन का नाम, इसको पेस्ट करना, रॉ जोन की जगह पे इसको क्यूरेटेड जोन को सिलेक्ट करना, ये रीजनल ही रहना चाहिए, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करना एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना। सो ये हमने जो है अपना जोन भी क्रिएट कर लिया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको नीचे चले जाना है, आपको एक एसेट ऐड करना है, टाइप रहेगा बिगक्वेरी डेटा सेट का, नेम रहेगा ये वाला, ठीक है। मेक श्योर इसको बहुत ध्यान से कॉपी करना। अगेन बैक आना, आपको ये देख रहे हो, ये दिख रहा होगा कस्टमर क्यूरेटेड जोन ऐसा ओपन हो जाएगा एक्टिव होगा तो। देन उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो है ऐड एसेट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको ऐड एन एसेट पे क्लिक करना है। देन बिगक्वेरी डेटा सेट सिलेक्टेड ना हो तो उसको सिलेक्ट कर लेना, नेम की जगह पे इसको पेस्ट कर देना, डेटा सेट को ब्राउज करना। एंड ब्राउज करने के बाद जो है आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, अगेन बैक आ जाना है। एंड यहाँ पे जो है आपको इस चीज़ को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको कस्टमर नाम का डेटा सेट चाहिए, ठीक है, मेनली तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड सर्च बार के लिए एंटर दबा देता हूँ, ना दिखे तो अब इस लास्ट वाले पार्ट को रिमूव कर देना, एंड एंटर दबाना, इसको सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। सो ये हमारा डेटा सेट आ जाएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड आपको इसको डन पे क्लिक कर देना है। देन कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। देन अगेन बैक आएंगे, अब हमें क्या करना है, इधर इनहेरिट को सिलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक कर देना है। इनहेरिट सिलेक्टेड है, कंटिन्यू एंड इधर सबमिट। सो हमने एसेट भी क्रिएट कर लिया है, इधर आओ चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करो, टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी इशू के, ठीक है। एंड अपडेट होने में टाइम लगता है, तो एक और बार चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करना एंड एक और बार क्लिक करना एंड या फटाफट हो जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि ये उधर क्रिएट हो रहा है। ये देखो असेट्स क्रिएशन स्टार्टेड एंड यहाँ पे स्टेटस क्रिएटिंग लिखा आ रहा है, इसलिए वो अभी टिक नहीं लग रहा है। बाकी हाँ, ऑलमोस्ट टास्क जो है वो डन हो चुका है, इतना बड़ा टास्क नहीं था इस लैब के अंदर। एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे जैसे ही एक बार क्रिएट हो जाए, ठीक है। सो वेट करो इसके क्रिएट होने का। सो ये एक्टिव हो चुका है। एंड अगेन अब आपको जो है बैक चले जाना है एंड चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करना है, टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी इशू के।
एंड नीचे आपको स्क्रॉल कर देना है सेकंड टास्क के ऊपर। सेकंड टास्क में हमें क्या करना है, क्रिएट करना है एक टैब टेम्पलेट को। कैसे क्रिएट होगी है? तो इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे सबसे पहले तो, एंड अगेन हमें बैक आ जाना है। अब टैग टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टैग टेम्पलेट पर क्लिक कर देना, एंड इधर क्रिएट टैग टेम्पलेट पर क्लिक कर देना। इधर आपको नेम की जगह पर इसको पेस्ट कर देना है। मेरा जोन US वेस्ट वन था, कैसे पता भैया आपको? इधर आओ, US वेस्ट वन आपको मे को ये देख रखा है, आपको मे भी कुछ और देख रखा हो, आप उसको सिलेक्ट करना, ठीक है? तो मैं US वेस्ट वन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड ये मुझे मिलेगा नीचे, ये रहा। एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये पब्लिक रहना चाहिए, एंड क्रिएट पे क्लिक कर दूँ। क्या नहीं है फील्ड, ओके ऐड करना है हमें फील्ड को। नीचे स्क्रॉल कर देंगे, फील्ड नेम में हमें जो है नीचे स्क्रॉल कर देना है। फील्ड नेम में मुझे सबसे पहले तो नेम दे के रखा ये वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इधर आ जाएंगे, इसको मैं यहाँ पे फील्ड नेम की जगह पे पेस्ट कर दूंगा। देन इसको मैं जो है इनमरेटेड सेलेक्ट कर दूंगा। वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास, YES लिखना एंड सेकेंड में NO लिखना, ठीक है? ये दो वैल्यू आपको टाइप कर देनी फटाफट, एंड यही आपको दे के रखा है। देन आपको नीचे स्क्रोल कर देना है, डन एंड क्लिक क्रिएट, ठीक है? ये टास्क भी आपका डन हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करके चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे तो टास्क जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अगेन अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, सो बेसिकली थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हमने टैग टेम्पलेट क्रिएट कर दिया, इधर आप चेकआउट कर सकते हो कि ये जो है क्रिएट हो रहा है। अगेन बैक आओ, यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट हो चुका है। अब अगेन बैक आओ, फिर से चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करो। जैसा मैंने बोला अपडेट होने में थोड़ा बहुत टाइम लेता ही है। नीचे स्क्रॉल करना है, अब डिस्कवर में जाना है, सर्च के अंदर जाके फिल्टर के अंदर डेटा प्लेक्स सिलेक्ट करना है, देन ये सब चीज़ें करनी है। एंड यहाँ पे हमें अटैच करना है कुछ टैग को, जिप स्टेट लास्ट नेम, ठीक है? इधर आ जाते हैं, सर्च में चले जाएंगे, इधर आपको ढेर सारी चीज़ देखने को मिलेगी। इधर डेटा प्लेक्स को सिलेक्ट कर लेना सिस्टम के अंदर, देन इधर आपको कस्टमर डिटेल्स वाली टेबल आपको दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है? ना दिखे पेज को रिफ्रेश कर लेना, एंड इधर देख सकते हो कस्टमर डिटेल ही बोला है। अब हमें तीन चीज़ें सिलेक्ट करनी है, जिप स्टेट और लास्ट नेम। सबसे पहले इनको सिलेक्ट करते इधर आते हैं, अटैच टैग पे क्लिक कर देना, एंड इसको क्लिक करना, एंड इधर जिप, अगेन नीचे स्क्रॉल करो, स्टेट लास्ट नेम, ठीक है? नीचे स्क्रॉल करो, लैटिट्यूड फर्स्ट नेम सिटी, ठीक है? अगेन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, लॉन्गिट्यूड। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ सिलेक्ट कर लिए, जिप हो गया, स्टेट हो गया, लास्ट नेम हो गया, कंट्री सिलेक्ट करना है, ईमेल सिलेक्ट करना है, कंट्री सिलेक्ट करना है और ईमेल सिलेक्ट करना है, कंट्री और ईमेल, ये रहा ईमेल और ये रहा कंट्री। टोटल 9 ही है, आपके भी 9 ही होने चाहिए। ये देखो यहाँ पे 9 आ चुका है। ओके पे मैं क्लिक कर दूंगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा टेम्पलेट पे, प्रोटेक्टेड डेटा टेम्पलेट को ओके करूँगा। देन फील्ड टैग नेम पे आ जाएगा, आपको YES को सिलेक्ट कर लेना है एंड सेव पे क्लिक कर देना है। ये जो है हमने टास्क डन कर लिया है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, याला जो टास्क है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी इशू के, ठीक है? एंड या अगेन अपडेट होने में टाइम लगता है, एज सच मैंने आपको बोल के रखा हुआ है ये चीज़। अगेन बैक आ जाएंगे, देखो 9 टैग सक्सेसफुली अटैच हो चुके हैं। बैक आओ, फिर से चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करो। जैसा मैंने बोला अपडेट होने में थोड़ा बहुत टाइम लेता ही लेता है। सो ये चेक कर रहा है हमने टास्क कंप्लीट करा है कि नहीं करा है। सी हो चुका है कंप्लीट, इधर आके ये लास्ट टास्क था इस पर्टिकुलर लैब का, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।